प्रधान संस्था स्वरूप इस करके कोई व्यक्ति विशेष की इज्जत नहीं, एक संस्था की इज्जत। लोग आने हैं, प्रधान बनने हैं, जाने हैं, लेकिन यह संस्था हमेशा रहनी है। इस करके ये संस्था सर्वोच्च है और इन्हें यहाँ बढ़ता आदर मान सम्मान हमेशा मिली है। उम्र का कोई तकाजा नहीं, एक पदवी है जिसकी इज्जत है और सबनों उस कुर्सी के थले रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर के उत्ते मेरा ये विचार है कि कांग्रेस को रीइनवेंट करना पड़ेगा। राजे की जी सरप्रस्ती है एक युवा ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन एक समेल टीम भी है, मतलब दूसरे की इज्जत, दूसरे की सफलता दे विच अपना हिस्सा पाना। दुख तो बहुत शरीक हो जाते हैं, लेकिन खुशी शरीक होना बहुत जरूरी है। उस खुशी को अपनी खुशी मानना यह भी बहुत जरूरी है। सब तो जड़ी अहम गल मैं अच्छ करना चाहना, जो मैं कहना कि कांग्रेस नवीनीकरण करना पैना। कांग्रेस अगर एनालाइज करूगी, और मैं पहला बिल्कुल नहीं बोलिया, हर बंदे को अधिकार है बोलने का, लेकिन अज मैं डंके की चोट पर कहना कांग्रेस हारी तो 5 साल के माफिया राज करके, उस माफिया के खिलाफ मैं लड़ता रही। वो माफिए के खिलाफ लड़ाई किसी निजी बंदे नाल नहीं, वो एक सिस्टम से, वो चंद बंद की तजारत से, चंद बंद का धंधा से, जो स्टेट को दीमक वांग खा रहा, वो चीफ मिनिस्टर इनवॉल्व से, बीत गए चले गए गुम गए, समझे नहीं। जब तक राजनीति व्यापारी बन के रहेगी उसकी इज्जत नहीं होएगी, क्योंकि अगर तुम राजनीति का धंधा बना के अब पंजाब के खड़े हो जाओगे तो जो स्टेट का एक्सचेकर है उन्होंने निजी जेबा पा लग जाओगे तो या पंजाब रहेगा या माफी। अज भी उस पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, किसी पद की नहीं, इनू सारे लोग समझ गए, समझते हो। जिदन यह माफिया मुकया, पंजाब जिदन माफिया मुक्त होया, उस दिन पंजाब उठ खड़ेगा। और जब तक इस माफिया के नाल लिप्त लोग, और बड़ा डूंगा है, जिमें बोर्ड का पेड़ होंगे ना, उनकी जड़ा होंगे नीचियां तो उपरों मुछा भी पा के थले आ जाए, इनू पटना औखा होंगे। लेकिन जड़े सूबे नू जान तो वध प्यार करन वाले ने, इश्क करन वाले ने, वो लड़ते रहेंगे बगैर किसी नफे नुकसान का सोच रखी। सो एक जड़ी अहमियत वाली गल सी, अज जड़ी सरकार आई भी है वो इसे बदलाव करके है। पौने 5 साल उही चेहरे सी, जिहड़े मुख्यमंत्री सी वो इह कहिंदे सीगे वी आ हो रिहा सीगा, मेरी गलती है, मैं रोकिया नहीं। क्यों रोकिया नहीं? चलाउण वाले कुछ उदों बाद भी जिहड़े चेहरे आए किंतु परंतु सी, जिन्हां ने सत्ता माणी निजी स्वार्थ करके, अगर ना माणी हुंदी और सूबे दे लई पॉलिसियां नीतियां लियांदियां होण, उही इस सरकार ने। मैं भगवंत नूं छोटा भाई मानदा, अगर वो माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बड़ा गहरा है, तौके वजनगे, जे तो तौके खांदा रहा फिर तो गल हो रहा है। जे आपदे निज ईमानदारी और ईमानदार है वो, मैं उसे कदे उंगल नहीं कीती, अगर वो ये खिलाफ लड़ेगा मेरा सहयोग है पार्टियां तो उत्ते उठ के, क्योंकि लड़ाई पंजाब के अस्तित्व की है, पंजाब की एग्जिस्टेंस की है, और पंजाब की एग्जिस्टेंस इस चीज़ से डिपेंडेंट है। और वो रोड मैप जोड़ा है वो उही है, जोड़े लोग निजी शराब बेचते सी उन्होंने खोनी पैनी, क्योंकि वो इनकम पंजाब रेट जो सप्लाई रोक दूंगे अच्छ 12,000 भी खा ली, वो एक पॉलिसी बनानी पैनी है। नीतियां के नाल ही पंजाब उत्ते आएगा, और नीतियां ईमानदारी नैतिकता मॉरल अथॉरिटी। जे तुसी ओपोजिशन च भी हो, मैं लास्ट गल कहन लगे, उस तो बाद सवाल मैं करो ना, क्योंकि मैं जो गल कहनी मैं कह देना, और मैनू कदे जिंदगी दे विच कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भय उसे नूं हुंदा जिहड़ा अंदरों
घबराया होंदा है ईडी तो होर चीज़ों को। जिहड़ी मोरल अथॉरिटी है, ईमानदारी है, सच की राह वाले तुरन वाली, वह कदे घबराउंदे नहीं। इस करके ओपोजिशन च भी अगर कोई रह सकता है और तगड़ा रह सकता है, उन्होंने नैतिकता की ताकत चाहिए, नहीं तो पराए पुत पार्टी ईडी टां करके बांह मरोड़ दिए। इतने वाले ही देखियो तुम कि खाते खुलने, आवाज नहीं आती उन्होंने, फिर कहना मानसा मानसा फिर होंगे समझो। इस करके अगर सवाल भी करने हैं और अगर पंजाब नूं संवारन दे नीतिगत तरीके नाल उत्ते लियांदे, पॉलिसी बजटरी एलोकेशन पंजाब दे पैसे पंजाब दे खजाने, तो फिर मोरल अथॉरिटी चाहिए है। सवाल भी वो कर सकता जिहड़ा ईमानदार होवे। इस करके आने वाला समा ईमानदारां दा, 50-60 ऐसे लीडर कांग्रेस जिन्हां ते लोग भरोसा करते हैं कि लोगों को लगे हाँ वाकई ही बदलाव है, कि वो व्यापारी नहीं गए, कि वो रेता बेचने वाले नहीं गए और ये वाकई ही पंजाब की उसारी दे। मैं राजे ने यह कहा कि परमात्मा मैं तेरी खुशी च बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बधाइया देना और आस करता परमात्मा कि बहुत तरक्या बख्श दिलों दुआ कर। इस करके आने वाला समा ये दस देगा कि राजे का किन्ना सहयोग कौन कर रहा, क्योंकि संगठित हुई शक्ति जित का कारण है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण है। मेरी लड़ाई संगठन नाल ना सी ना है ना रहेगी, मेरी लड़ाई माफिया नाल है। ये लड़ाई लेकी बदी की है, ये लड़ाई धर्म धर्म की है, ये लड़ाई पंजाब दे पक्षी ते स्वै निज स्वार्था ना बन्ने हुए लोगों को, 100 ने ते पंजाबी 3 करोड़ है, मैं 3 करोड़ वाल खड़ा।